नमस्कार, मैं आपके साथ धीरेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष। मोदी सरकार के कार्यकाल का 9 साल पूरा हो गए हैं। 9 साल पूरे होने पर मोदी सरकार एक जनसंपर्क अभियान चला रही है। इसी के तहत आज नोएडा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बैठक कर रहे हैं, जिसमें बीजेपी के विधायक, सांसद, बीजेपी के कार्यकर्ता और यहाँ के लोकल नेता मौजूद हैं। सभी को 2024 की चुनाव की रणनीति के बारे में बैठक है। बताया जा रहा है कि टिफिन बैठक के नाम से ये बैठक है, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनकी योजनाओं से रूबरू कराने के लिए किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, इसको लेकर यहाँ पर बैठक की जा रही है। ये बैठक जो टिफिन बैठक आज चल रही है, ये बैठक 3 तारीख को आगरा में होनी थी, लेकिन वहाँ उसके एक दिन पहले 2 तारीख को उड़ीसा ट्रेन हादसा हो गया, जिसके चलते बीजेपी ने अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया था, जिसके बाद आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। टिफिन अभियान के टिफिन बैठक के रूप में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। इसमें बीजेपी के नेता, सांसद और यहाँ के लोकल नेता मौजूद हैं। बीजेपी कार्यकाल के 9 साल पूरा होने पर यहाँ पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है, साफ तौर से तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर टिफिन कार्यक्रम किया गया है। टिफिन कार्यक्रम के तहत यहाँ पर जो यहाँ के बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो यहाँ पर मौजूद है, साफ तौर से तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर वो अपने घर से टिफिन लेकर आए थे और यहाँ के जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, बीजेपी नेता हैं, उनके साथ लंच करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं पंकज सिंह, वो यहाँ पर मौजूद है, सांसद यहाँ पर मौजूद, साफ तौर से तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर सब अपने अपने घरों से जो नेता हैं वो यहाँ पर लंच बॉक्स लेकर आए और यहीं पर वो टिफिन खा रहे हैं। यहीं पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। ये वही जगह है जहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, जेपी नड्डा मौजूद है, साफ तौर से तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर जेपी नड्डा जो है यहाँ पर लंच करते हुए नजर आ रहे हैं। जो कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो लगातार अपनी मोहब्बत की दुकान लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा इस कार्यक्रम को किया गया है। सर क्या नाम? हरिश्चंद्र भाटी। आज टिफिन का कार्यक्रम है, क्या इस कार्यक्रम के जरिए क्या मैसेज है? इसके पीछे मैसेज ये है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वरिष्ठ, वो सब मिलकर के पारिवारिक भाव पैदा करें और नए लोगों को जोड़ें और इसी तरीके से अपने क्षेत्र में जाके परस्पर बात करें और टिफिन का सिस्टम और परिवारों में भी जोड़ें और इस तरह की संगोष्ठियाँ मंडल के स्तर पे, गांव के स्तर पे, सेक्टर के स्तर पर सब लोगों में एक दूसरे के व्यवहार के नज़दीक आएँ। घर से लंच पैकेट लेके आए? हाँ, घर से लंच पैकेट लेके आए, ये रखा है यहाँ पर। इसमें खाना है, मिठाई है, सलाद है, दही। बैठक हो गई है। और क्या निकल कर आया? बैठक का मैसेज इतना बड़ा है ये कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये खुद कहा कि ये एक पूरा इसमें भारतवर्ष है नोएडा में और सारे विभिन्न सूबों के लोग यहाँ रहते हैं, स्टेट्स के, उन लोगों में भी हम जाएंगे और उन लोगों के साथ घुले मिलेंगे और ये मैसेज सारे देश में जाएगा। जो मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल के कार्य हैं वो घर घर पहुंचाने का इस कार्यक्रम के द्वारा। 9 साल का जो कार्यकाल पूरा हुआ उसको लेकर जनता के बीच में जाने का प्रयास जारी रहेगा? हाँ, बिल्कुल जारी रहेगा और हम जाएंगे, कार्यकर्ता जाएंगे। 2024 को लेकर क्या रणनीति बनाई गई? भाई 2024 की रणनीति यही है कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, अब सब देश पूरा पॉजिटिव है और नरेंद्र मोदी ने जो ख्याति प्राप्त की है देश में और पूरी दुनिया में, उसके अनुगामी लोग बन रहे हैं और वो ताकत बढ़ रही है। राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान लेकर घूम रहे हैं, क्या 2024 में क्या गांधी को इतनी समझ ही नहीं है कि देश में क्या बात करनी है, विदेश में क्या बात करनी है? वो तो नफरत पैदा कर रहे हैं, उनके तीनों पीढ़ियों ने इस देश को बर्बाद किया है। आज सेकुलरवाद है, आज कोई भाई भतीजावाद नहीं है, आज जो भी है वो हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया का नेतृत्व बीजेपी का जो मान्य नेता है नरेंद्र मोदी वो कर रहे हैं और देश की मजबूती के आगे बढ़ रहे हैं। आज दुनिया के कई देश के लोग मोदी जी के पैर छू रहे हैं सम्मान से। आज अमेरिका का उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री यहाँ आकर के माहौल बना रहा है, वो कह रहा है कि भारत में जितना बड़ा लोकतंत्र है और वो दुनिया के लिए जितना उपयोगी है अन्य कोई देश नहीं है। टिफिन बैठक में परिवर्तित किया है जिसमें सभी कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन लेकर आते हैं, यहाँ बैठते हैं, सामूहिकता में चर्चा करते हैं, इनफॉर्मल चर्चा करते हैं और लंबी देर तक स्थिति को देखते हुए पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए और मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने में जो कार्यकर्ता लगे हैं
उनको किस तरीके से वो जनता के बीच में ले जा रहे हैं, इसका भी हम समीक्षा भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं, और आने वाले जो कुछ समस्याएं भी होती हैं उसकी भी हम चर्चा करते हैं। यह टिफिन बैठक आज यहाँ पर संपन्न हुई, मुझे इसमें आने का सौभाग्य मिला। नोएडा के इस विधानसभा में सम्माननीय पंकज जी की विधानसभा है, उसमें मुझे आने का मौका मिला, और डॉक्टर महेश शर्मा जी की लोकसभा है, कार्यकर्ताओं से इनफॉर्मल चर्चा हुई, और इसमें हमने पुराने कार्यकर्ता भी बुलाए। यह एक लगातार प्रक्रिया है, समय समय पर ऐसी टिफिन बैठकें आगे भी होंगी, और यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली का एक अंग बन रहा है, और इसमें कार्यकर्ताओं में एकजुटता का संस्कार भी आता है, क्योंकि वह अपना टिफिन तो खाता नहीं है, वह दूसरे साथी का टिफिन खाता है, और हमारा द्वारा लाया गया टिफिन वो हमारे साथी खाते हैं। आज मैं भी अपने घर से टिफिन लेके आया था, हमारे कार्यकर्ताओं ने उसका जो खाया और उसका स्वाद लिया, ऐसे ही डॉक्टर महेश शर्मा जी अपने यहाँ से कुछ व्यंजन लेके आए थे, उसका मुझे सौभाग्य मिला। तो इस तरीके का टिफिन बैठक के कार्यक्रम को हमने आगे बढ़ाया है। हम हमेशा ही तैयार रहते हैं और हर पल हम नई योजनाओं के साथ चलते हैं, इसलिए 24 हो और 24 से पहले आने वाले भी चुनाव हैं, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टिफिन बैठक का कार्यक्रम समाप्त हो गया है। जेपी नड्डा यहां से निकल चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा 2 घंटे की बैठक चली। 2 घंटे में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं को 2024 की रणनीति बनाने के, किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे विकास के मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना है, इसको लेकर यहाँ पर रणनीति बनाई गई है। लगातार चली 2 घंटे की बैठक में जो लंच पैकेट की बात की जाए, तो जो घरों से टिफिन बॉक्स लेकर जो यहाँ के नेता हैं, बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद जो यहाँ पर पहुँचे थे, अपने घरों से लंच लेकर पहुँचे थे और एक दूसरे के साथ शेयर कर उस लंच को खाया गया है। किस तरीके की चीज़ें हैं जो निकल कर सामने आई कि 2024 की रणनीति इस कार्यक्रम के जरिए बनाई गई है। जनसंपर्क कार्यक्रम का जो अभियान का जो नाम दिया गया है, इसके तहत पूरे देश में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जगह जगह पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा बैठक की जा रही है और आम जनता के बीच में किस तरीके से 2024 में जाना है, कौन सी ऐसी रणनीति है जो बनाकर पब्लिक के बीच में जाना है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना है, इसको लेकर यह रणनीति बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद यहाँ पर मौजूद थे। सभी ने बताया कि 2024 की रणनीति बनाई गई है और इस लंच बॉक्स जो टिफिन बैठक का नाम जो दिया गया था टिफिन बैठक का, ये था कि एक दूसरे के करीब या फिर जो कार्यकर्ता बीजेपी का जो आम कार्यकर्ता है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठकर लंच करने का ये जो मैसेज है, ये समाज में ये मैसेज देने का काम साफ तौर से देखा जा सकता है। एक नज़र ये भी डाला जा सकता है कि ये जो मैसेज है, ये मैसेज ये है कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के नेता का, हर वर्ग के कार्यकर्ता का सम्मान करती है, आम पब्लिक का सम्मान करती है। इस टिफिन बैठक के जरिए ये मैसेज देने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है। कैमरामैन विक्की के साथ धीरेंद्र शुक्ला, नोएडा।